खबर लालगंज से है, जहां लालगंज थाना परिसर में वैशाली डीएम व वैशाली एसपी ने प्रखंड के पदाधिकारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक किया है, जहां हाजीपुर एसडीएम, लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, पुलिस पदाधिकारी मनोज पांडे सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद थे। बैठक करते हुए डीएम तथा एसपी ने निर्देश दिया कि क्षेत्र में धारा 144 लग चुका है, कहीं भी किसी भी प्रकार की रैली, राजनीतिक गतिविधि या फिर जुलूस आदि नहीं निकाला जाएगा। साथ ही निर्देश दिया कि पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत करते हुए असामाजिक तत्व, उपद्रवियों सहित अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों की पहचान कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा वाहन जांच, पुलिस गश्ती आदि भी सख्त करने का निर्देश दिया गया है। आज के मीटिंग का क्या उद्देश्य है? लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर की बैठक की गई है। डीएम सर, एसपी सर से, डीपीओ साहब से, थानाध्यक्ष, वीडियो वगैरह, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी, सेक्टर पदाधिकारी जो वुलनरेबल मेकिंग है, निर्वाचन करवाई है, उनकी समीक्षा की गई। मुख्य रूप से क्या दिशा निर्देश दिया गया है? सर, क्या कि क्षेत्र में एक्टिव रहे जो भी असामाजिक तत्व है, जिससे चुनाव प्रभावित होने की संभावना की पहचान कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, निर्वाचन कार्रवाई की जाएगी। अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मत